हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे और एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे एयरटेल के कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप एयरटेल के कस्टमर केयर से किसी भी रीजन से बात करना चाहते हो तो कैसे आप एयरटेल के कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हो, इस वीडियो एंड होने तक आपको पता चल जाएगा। तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप न करके एंड तक वॉच कीजिए, और इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करके इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। ओके एवरीवन, तो दोस्तों एयरटेल की कस्टमर केयर से बात करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की डायल पैड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक नंबर टाइपिंग करना है। तो यहां पर आपको टाइपिंग करना है 1925। टाइपिंग करने के बाद दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर दो सिम है तो आपको एयरटेल सिम से यहाँ पर कॉल कर देना है। एक दबाओ। फॉर इंग्लिश प्रेस 2, हिंदी के लिए 3 दबाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी भाषा को चुनने के लिए बोलेगा, तो आप जो भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हो उस ऑप्शन को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अनुग्रह करी अपनी बिसरा ऑप्शन टू दबाओ बा आमी रिपीट करालो अपेक्षा करक। एसएमईजर बाबे एक दबाओ। फॉर इंग्लिश प्रेस 2, हिंदी के लिए 3 दबाएं। मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए और व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के साथ जुड़े रहने के लिए 1 दबाएं। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए 2 दबाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दबाना है, आपको यहाँ पर वेट करना है। लास्ट में जाके आपको 9 दबाने के लिए बोलेगा, तो आपको लास्ट में 9 दबाना है। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। कृपया चुने हुए विकल्प को डायल करें या हमारे दोहराने तक इंतजार करें। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, एयरटेल में आपका स्वागत है। मैं रेखा आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तो दोस्तों आपने देख लिया, हमारा कॉल एयरटेल कस्टमर केयर से कनेक्ट हो चुका था, लेकिन मुझे अभी बात नहीं करना है इसलिए हम कॉल को काट कर दिया है। लेकिन आप आसानी से इस तरह से एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो।